गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभी सर्विस सेंटर आया हूँ मेरी गाड़ी को पिकअप करने के लिए। दरअसल तीन चीज़ें थी जो मुझे करानी थी। एक तो थी मेरी सेकंड सर्विसिंग, दूसरी थी थोड़ी सी पेंट रिटचिंग जहाँ पे थोड़ा सा पेंट निकल गया था बैक साइड में, और तीसरी थी पेंट स्पॉट रिमूवल, जो थोड़े से स्पॉट्स आ गए थे मेरे गाड़ी के ऊपर, वो वाली चीज़। तो ये तीन टास्क्स मुझे कराने थे और पिछले 5-6 दिनों में ये पूरा काम हुआ और आज मैं गाड़ी को पिकअप करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। गाड़ी के अंदर जो मैंने देखा, वो लोग ने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया था, अच्छे से वाइप किया था, कहीं पे भी मुझे गंदगी या ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी के अंदर की क्लीनिंग मुझे अच्छी लगी। बाहर जो मैं देख रहा था, डेफिनेटली सिरेमिक कोटिंग का रिटचिंग हुआ था, ये देख के मालूम पड़ रहा था। सिरेमिक कोटिंग का जो पॉलिशिंग हुआ था वो देख के मालूम पड़ रहा था। गाड़ी नॉर्मल से ज़्यादा शाइन दे रही थी पूरी गाड़ी, मतलब अगर आप पीछे की तरफ देखें या आगे की तरफ देखें, पूरी चारों तरफ से गाड़ी शाइन मार रही थी, बहुत स्टनिंग लग रही थी गाड़ी। तो आज मैं सिरेमिक कोटिंग और मेरी सेकेंड सर्विसिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अक्सर हमारे माइंड में एक चीज़ होता है कि हम किसी चीज़ में पैसे डालते हैं तो उसका वैल्यू फॉर मनी हमें मिलता है कि नहीं, वो प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो सिरेमिक कोटिंग में कुछ ऐसा ही प्रश्न मेरे माइंड में आ गया सिरेमिक कोटिंग कराने के बाद, कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, और इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम में से बहुत लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि 100 में से 99 बार शायद आप उसका इस्तेमाल करोगे ही नहीं, लेकिन वो एक बार जब आप इस्तेमाल करते हो उस टाइम पे आपके माइंड में आता है कि अरे अच्छा हुआ हमने ये ले लिया। बाकी टाइम पे हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि अरे ये तो वेस्ट है, इंश्योरेंस वेस्ट है। तो उसी तरह सिरेमिक कोटिंग भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से वो यूज़फुल है। और सिरेमिक कोटिंग जो पहले लोगों को लगता था कि इससे गाड़ी का लुक्स इम्प्रूव हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि लुक्स से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन जो ये ऑफ़र करता है वो उसके लिए वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ये मेरी ओपिनियन है। जब तक आपको एक ऐसा सिनेरियो फेस नहीं करेंगे आप जहाँ पे आपकी गाड़ी के की पेंट डैमेज हो जाती है, तब तक आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगी। दोस्तों, पिछले 3-4 महीने तक मैंने सिरेमिक कोटिंग का इम्पैक्ट देखा है मेरी गाड़ी पे, कि क्या इम्पैक्ट हुआ है सिरेमिक कोटिंग का। मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप सिरेमिक कोटिंग लुक्स के हिसाब से करा रहे हैं, अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, उसके लिए अगर आप सिरेमिक कोटिंग करा रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी जगह से करा ले। देखिए, मैंने जहाँ से सिरेमिक कोटिंग कराया, हो सकता है वहाँ पे उतना बेस्ट वे में नहीं किया गया हो, हो सकता है आप उससे भी बेटर वाली जगह से करा लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लुक्स के लिए सिरेमिक कोटिंग करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जहाँ पर मुझे सिरेमिक कोटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी, और ये कारण होगा मुझे ये कहने के लिए कि मेरे लिए तो सिरेमिक कोटिंग वैल्यू फॉर मनी निकली। अब उसके पीछे कुछ रीज़न है। रिसेंटली मेरी गाड़ी के बोनट पे और आगे के कांच पे, और इनफैक्ट थोड़ा सा सनरूफ पे भी, और इनफैक्ट डोर के ऊपर भी कुछ छोटे छोटे पेंट्स के स्पॉट्स गिर गए, उसके ऊपर ड्रॉप्स गिर गए, बहुत छोटे थे वो। और यू नो, बेसिकली मैंने गाड़ी एक जगह पे पार्क किया था, बिल्डिंग की पेंटिंग हो रही थी, और उसके जो ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉप्स, वो मेरे गाड़ी के ऊपर पड़ गए थे। अब नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैंने सिरेमिक कोटिंग नहीं कराया होता तो ये स्पॉट्स आसानी से नहीं जाते, और हो सकता है कुछ हद तक मुझे गाड़ी की रीपेंटिंग करवानी पड़ जाती थी, क्योंकि पेंट के ऊपर जब दोस्तों पेंट गिरता है, आप में से बहुत लोग को पता होगा, 90% ऑफ द टाइम्स वो नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि ऊपर से जब पेंट के ड्रॉप्स गिरे थे, तो ऑब्वियसली अब ये जो ड्रॉप्स हैं ये सिरेमिक कोटिंग का जो लेयर है उसके ऊपर गिरे थे ये, क्योंकि मैंने सिरेमिक कोटिंग करा रखी थी। तो फिर मैंने अभी जब सर्विस सेंटर में गाड़ी दिया तो उनको ये पेंट के स्पॉट्स निकालना बहुत इजी था उनके लिए, उनको बस सिरेमिक कोटिंग का लेयर निकालना था।
तो उन्होंने जहाँ जहाँ ये पेंट के स्पॉट्स गिरे थे वहाँ वहाँ उन्होंने निकाल दिया सिरेमिक कोटिंग और उस वहाँ पे रीटचिंग किया उन्होंने। तो इससे मुझे गाड़ी को रीपेंट नहीं कराना पड़ा। मेरी गाड़ी का रीपेंट अगर मैं कराता तो भाई खर्चा तो बहुत ख़तरनाक खर्चा होता था, लेकिन नई गाड़ी में रीपेंट करना मतलब एक बहुत ही ख़राब बात होती है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी एवर्ट हो गई सिरेमिक कोटिंग की वजह से। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ये इंसिडेंट के वजह से सिरेमिक कोटिंग मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी। लेकिन अगर आप लुक्स के एंगल से कराने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता आपको सिरेमिक कोटिंग कराना चाहिए। उससे अच्छा आप हर 2-3 महीने में 1,000 रुपये की पॉलिशिंग करा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सस्ता भी गिरेगा और ज़्यादा अच्छा भी गिरेगा। लेकिन सिरेमिक कोटिंग में एक ख़राब बात भी मुझे लगी और एक हैसल लगी मुझे, वो भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। अभी ये जो पेंट के जो स्पॉट्स हैं, ऐसे ही मेरे गाड़ी के जो पीछे के साइड पे लेफ्ट साइड पे स्क्रैचेस आए थे और थोड़ा सा पेंट निकला हुआ था। मैंने आपको शायद फ़ोटोज़ भी शेयर किया था मेरे चैनल पे। तो ये जो पेंट निकला था तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का पेंट का रीटचिंग कराना था मुझे, तो वो हुआ। तो क्या हुआ कि जब वो लोग ने पेंट की रीटचिंग कराई तब उन्होंने वो सिरेमिक कोटिंग का लेयर उनको निकालना पड़ा जिसने भी रीटचिंग किया, और पेंट की रीटचिंग के बाद में वापस उसके ऊपर एक और बार सिरेमिक कोटिंग उस पोर्शन पे कराना पड़ा। तो ये एक बात तो है कि अगर आपके गाड़ी में कल जाके कहीं पे भी पेंट निकल जाता है, स्क्रैच आ जाता है, तो वहाँ पे काम कराने के बाद आपको वापस उसके ऊपर सिरेमिक की लेयर वापस चढ़ाना पड़ेगा। ये एक हैसल तो है, मैं इसको हैसल नहीं बोलूँगा, बट ये एक एडिशनल काम है जो आपको कराना पड़ेगा। अगर आप 2 साल का अगर आपका वारंटी है सिरेमिक कोटिंग का या 2 साल का पैकेज अगर आप लेते हैं तो 4 सर्विसिंग आपकी ऑलरेडी फ्री है, राइट? तो हर 6 महीने में अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या थोड़ा सा पेंट निकल जाता है तो आप उसी 2 साल का जो आपका जो पैकेज है उसके अंदर ही आप रिटचिंग करा सकते हैं सिरेमिक का, तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने भी वैसा ही किया, मैंने कोई 1 रुपया भी पे नहीं किया। मैंने मेरी जो 4 रिटचिंग्स थी उसमें से एक मैंने एग्जॉस्ट कर लिया है अभी, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने में ही मैंने एग्जॉस्ट कर लिया, जबकि 6 महीने बाद ये होने वाला था, क्योंकि मैं रुक नहीं पा रहा था। मैं पेंट के धब्बों के साथ और ये स्क्रैच के साथ गाड़ी चलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बहुत जल्दी करा लिया ये यूज़। तो मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा तो रीटचिंग में ही हो गया। अगर मैं ये नहीं कराता तो फिर तो भाई मुझे तो पैनल रीपेंट कराना पड़ जाता था पेंट निकालने के लिए। तो उस एंगल से मैं मुझे ऐसा लगता है सिरेमिक कोटिंग से मेरा तो फ़ायदा हुआ है। भाई आप लोगों का फ़ायदा होगा नहीं होगा ये उस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है कि नहीं। अगर होती है तो फिर हो सकता है सिरेमिक कोटिंग का आपका फ़ायदा हो। और अभी अभी मैं जब सर्विसिंग भी करा के आया हूँ तो मेरी 2nd सर्विसिंग हुई थी, ओके? और 2nd सर्विसिंग में मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा, ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ का खर्चा आया मुझे, मुझे बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ा। गाड़ी मैंने अभी जस्ट चलाया है थोड़ा बहुत 2nd सर्विसिंग के बाद में, मुझे लग रहा है कि गाड़ी स्मूथ ही था, पहले भी स्मूथ ही था, 2nd सर्विसिंग के बाद भी स्मूथ ही था। मुझे कोई खास डिफरेंस है सच लगा नहीं 2nd सर्विसिंग के बाद में फ्रॉम अ राइड क्वालिटी पर्सपेक्टिव। तो ये मेरा अपडेट था। क्या आपको सिरेमिक कोटिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? देखिए 35,000-50,000 के बीच में सिरेमिक कोटिंग होती है इंडिया में अलग अलग जगहों पे। अगर आप सिरेमिक कोटिंग लुक्स के लिए करा रहे हैं तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 महीने बाद गाड़ी का वो वाला लुक तो वैसे भी नहीं रहने वाला इवन कोटिंग के बाद भी। लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन के लिए करा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट हो, शायद ये एक इंश्योरेंस के तरह एक्ट करे कि अगर आपकी गाड़ी की पेंट डैमेज होने वाली होगी ड्यू टू सम रीज़न तो ये लेयर जो है सिरेमिक कोटिंग का वो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकता है। बाकी थोड़ा बहुत हैसल आपको होने वाला है, हर बार आप गाड़ी की पेंट की रीटचिंग कराएंगे तो आपको उसके ऊपर लेयर चढ़ाना पड़ेगा वापस, ये तो बात है। तो ये मेरा ओपिनियन था सिरेमिक कोटिंग के बारे में, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप में से बहुत लोग मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग